हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को इन्फॉर्मेशन सीस्केप पे। आज हम कुछ नई टॉपिक को लेकर बात करेंगे। जैसा कि हमारा मैथ चल रहा था और मैथ चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा, और लेकिन हमें काफ़ी पता चला है, मतलब कहा गया है कौन लोगों के द्वारा कि नई इंग्लिश का सभी बनाइए। और मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इशू होता है इंग्लिश का। आज हमारे पता है आपको एक बात बताऊँ, इंग्लिश पता है ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पर कहें तो हम इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई, सार्वभौमिक, हर जगह पर इंग्लिश का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूं कि हम लोग भी अपना नॉलेज शेयर करेंगे, आप लोगों से भी सीखेंगे, उसमें सभी की भी सपोर्ट चाहिए और सभी लोग ध्यानपूर्वक और अपनी आवश्यकता के अनुकूल। और देखो, इंग्लिश का सबसे बड़ा, हमें कुछ हो ना हो लेकिन हमारी लाइफ को बेटर जरूर कर देगा, क्योंकि आपको पता है हर जगह लाइफ में यूज होता है। इंग्लिश का महत्व कितना बढ़ता जा रहा है लाइफ में। आप मैथ सीख लें, एनी सब्जेक्ट, टेक यू एनी सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट लाइफ में ले लीजिए अपने। अगर इस किसी भी सब्जेक्ट का आप महत्व अपनी अपनी जगह तो सभी का है, लेकिन एक इंग्लिश में आप चाहो तो मैथ में, मैथ का तो मतलब एक अलग सब्जेक्ट है, तो पता ही है, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ भी आप सब्जेक्ट ले लो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो लाइफ में पता कहते हैं ये तो बहुत गरीब है, मतलब बहुत, मतलब पढ़ा लिखा नहीं, बिल्कुल पुअर है और अशिक्षित है। तो सबसे ज़्यादा आजकल वैल्यू हमारे देश में या अन्य सभी जगह लगभग, अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को ही वैल्यू दे देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कि इंग्लिश का महत्व इतना बढ़ गया है, हम लोगों के पास कितना भी नॉलेज हो, हम कहीं भी ऑफिशियल जॉब के लिए जाएं या किसी भी प्रोफेशनल वर्क के लिए, अदरवाइज या किसी भी जगह, जो इंग्लिश बोलता है, माना जाता है कि जो इंग्लिश बोलता है सबसे ज़्यादा वही इंसान इंटेलिजेंट है, विजडम है, या सबसे ज़्यादा काबिल इंसान वही माना जाता है। तो वैसे बुद्धिमान लोगों की गिनती में सिर्फ इंग्लिश का ही ज़्यादा लोग महत्व देते हैं, जबकि सबका अपनी अपनी जगह महत्व है। इंग्लिश कोई ज्ञान नहीं है, एक बात आप ध्यान से सुनना, इंग्लिश कोई ज्ञान नहीं है स्पेशली। हाँ, उसका महत्व ऐसा बढ़ गया है कि इंग्लिश को ज्ञान ही समझने लगे लोग। अब एक व्यक्ति मान लेते हैं, एक व्यक्ति को इंग्लिश आती है और एक को इंग्लिश नहीं आती, तो इसका देखना कितना टिपिकल होगा। इसको सभी सब्जेक्ट अदरवाइज बहुत सारे आते हैं, आप इसमें किसी भी ऑल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम से ले लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश छोड़ के, सब इंग्लिश छोड़ के आप सभी सब्जेक्ट दे दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस, टेक्नोलॉजी या अदरवाइज कोई भी दे दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, अदरवाइज सभी सब्जेक्ट इसको आती है, इस वाले को, ठीक है, ये हिंदी मीडियम का है स्टूडेंट, हिंदी मीडियम का है, ये इंग्लिश मीडियम का है, ये इंग्लिश मीडियम का है स्टूडेंट। अब इसको जब इंग्लिश, अब ये जो कभी भी कहीं भी गए, ये पढ़ा लिखा बेशक बहुत ज़्यादा समझदार है, बुद्धिमान है, इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो इसको इतना नॉलेज नहीं है इसके जैसे इतना, लेकिन ये सिर्फ क्या फ़र्क है, इसको इंग्लिश अच्छी से आती, फ्लुएंट इंग्लिश आती, बोलना आता है। अब समाज में जब ये गया या किसी जगह पर गया और इसने क्या किया, या हम एक सिंपल सी बात लेते हैं, यहाँ पर जॉब की बात ले लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर ले लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर, ठीक, प्राइवेट सेक्टर की बात करें हम, जैसे ये ऑफिस में गए, ठीक है, ये लोग गए और ये लोग भी गए, दोनों लोग गए, यहाँ पर आने के बाद इन लोगों का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में इन लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश में। अब बेसिकली ये इंग्लिश मीडियम से था तो जाहिर सी बात है इसका जो इन्वायरमेंटल होता है, यहाँ का वातावरण होता है, तो वो इंग्लिश में ही सब कुछ किया था। इसने बेचारा गया, सोच लो थोड़ा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था, तो इसने अपना हिंदी में सब कुछ किया। आज भी हमारे देश में इतना ज़्यादा है, हम लोग इंग्लिश से, थोड़ा सबसे बड़ी बात तो है कि इतना पैसा भी नहीं लोगों के पास जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएं। दूसरी बात ये, आपको पता, जिस हिसाब से हमारे देश आज़ाद हुआ था उसकी स्थिति क्या थी, और आज धीरे धीरे फिर भी सही हुआ, तो उस मुद्दे पर ना जाकर हम इसी पर रहते हैं। तो जब ये इंटरव्यू देने गया तो वहाँ तो पूछा, इंग्लिश में इंटरव्यू लिया, इसने फ्लुएंट थी तो इसने बेटर आंसर उसका दिया, क्योंकि उसकी वही भाषा उस समय उतनी थी,
कम्युनिकेशन पर्सन टू पर्सन, कम्युनिकेशन का मतलब जो एक होता है संचार, तो उसने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो एक भाषा है, सिर्फ आदान प्रदान करने का, बातें करने का, समझने का तरीका है। इसने बेचारा हिंदी में दिया, तो पता है ही सिलेक्टेड पर्सन, ये सिलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, इसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि यह इंग्लिश मीडियम से था, यह हिंदी मीडियम, ये इंटेलिजेंट समझा गया, क्योंकि माना जाता है आज के दौर में इंग्लिश की प्रोफेशनल में इंग्लिश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जिसको इंग्लिश आती है वही इंसान बुद्धिमान है। मतलब बाकी जो हम लोग, बाकी जो भी है देश में हैं, वो सभी अनपढ़ हैं, गंवार हैं। आप किसी भी समाज में चले जाइए, ऐसा नहीं, आप अपने कॉलेज में चले जाइए, जिस बच्चे को थोड़ी इंग्लिश आती है, पढ़ने लिखने में अच्छा है इंग्लिश में, हाँ लगता है कि दो चार सेंटेंस शब्द क्या बोल दिए, बस वो इंटेलिजेंट है, बस इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए, बस इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम नॉट, आई एम वेरी पुअर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो एनी पर्सन डाउटफुल आवर सेल्फ, मतलब वो हमेशा अपने आप को डाउट में रखता है, तो इसकी टेंशन नहीं। मैं बस इसलिए सोचा आज मैं इंग्लिश का आज से ही स्टार्टिंग करूँगा, और आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखना, वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि हम आज से बेसिक से लेकर चलेंगे हमेशा एक एक चीज़ें, ताकि आप लोगों को समझ में, तो हम आज इसके बेसिक के बारे में बताएंगे और इसको समझाएंगे कि क्या महत्व इंग्लिश का है। सबसे बड़ी बात है हम हिंदी में लिखते हैं, वाई रीड इंग्लिश, वाई रीड इन इंग्लिश, हम इंग्लिश क्यों पढ़ें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर हम इंग्लिश क्यों पढ़ें, सभी लोग इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, इंग्लिश का क्या महत्व, हमारी हिंदी है, हिंदी में अपनी लोकल लैंग्वेज में काम चलाएंगे, फिर हम इंग्लिश क्यों पढ़ें, सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरा है इंग्लिश क्यों क्यों पढ़ें, अब इसका क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश का आज देखो ऐसा होता है कि आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश का लगभग अपना अपना महत्व सबको दिया गया है, लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि ये भाषा है, माना जाता है कि बुद्धिमान का कि इसकी कैपेसिटी है कि जो भाषा नहीं सीख सकता है, छोटी सिंपल भाषा जो कम्युनिकेशन पर्सन टू पर्सन करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो वो इंसान क्या लाइफ में कर सकता है, तो कुछ नहीं कर सकता है। तो आप सभी को ध्यान से देखना है वीडियो और समझना है, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करना है कि आप क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें कुछ इंग्लिश की लेकर चलूँगा, ताकि समझ में आए आखिर बेसिक इंग्लिश में क्या क्या सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लाइफ में। सबसे पहले हम आपको अपने कॉलेज की बात करते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो क्या रीज़न था भाई, हम लोग आज 15-20 साल उम्र भी इतने ही लगभग काफ़ी, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो बात अलग है, केजी नर्सरी या 10-12 तक जो पहुँचते हैं उनसे तो कम से कम इतनी बात होती है। आज बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश नहीं समझ में आती, क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो मुझे नहीं पता था इंग्लिश क्यों पढ़ें सबसे चीज़। हाँ एक बात आपको और बता दूँ कि इंग्लिश का सिर्फ महत्व पढ़ने की तक बेसिक नहीं होना चाहिए, वैसे हमारे समाज की कुछ अजीब परंपराएं हैं, सिर्फ पढ़ने 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 पे ध्यान दिया जाता है कि बस पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं समझ में आओ, और कॉलेज में भी क्या करते हैं टीचर लोग, बस सिर्फ रटाते हैं, लिखाते रहते हैं ना कि सभी, मतलब इतना बायस हो जाता है, इतना कन्फ्यूज हो जाता बच्चा, किसके समझ में नहीं आता कि यही मन करता बस जूं छड़ा ले अपना, कैसे एक दो दिन में नोट्स कॉपी किसी के लेकर आए, बस बना दिए, काम ख़त्म, बस ये हो गया। लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए, इंग्लिश को हमेशा लाइफ यूज, पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ यूज के लिए करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में इसका उपयोग क्या, अगर सीखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो हम एक इसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं अपने हिसाब से। देखो आपको क्लासें बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारे और यूट्यूब पर बहुत बेसिक बेसिक बहुत बेटर टीचर मिल जाएंगे, लेकिन हम नहीं, और जो भाई यहाँ पर ज्ञाता हो, बुद्धिमान हो, ज़्यादा इंग्लिश का PhD किया हो, उसके लिए नहीं है, सिर्फ ये समझने वालों के लिए है। तो आखिर हम इंग्लिश का स्टेप बनाते हैं, सबसे पहले इंग्लिश का हम अपने लाइफ से रिलेटेड
लाइफ रिलेटेड पार्ट कवर करेंगे, ठीक है, पार्टों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, लाइफ मतलब कि हमारे लाइफ से क्या क्या कनेक्ट होता है। दूसरी चीज, उनको हम क्या करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, उनको कैसे अप्लाई करेंगे और उसका कैसे क्या कनेक्टिविटी होती है। तो डेली यूज एंड डेली यूज एंड कनेक्ट सेंटेंस सेंटेंस। तो हम लोग इन पार्टों को डिवाइड किए हैं, पहले अपने लाइफ में जोड़ेंगे कि इसका क्या महत्व है, कौन सी चीज़ कैसी होती है हर पार्ट का। एक बाय एग्जांपल, जैसे कि माना कहते हैं इंग्लिश सीखने का सबसे टिपिकल काम है, लेकिन टिपिकल काम तब होता है हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक इंग्लिश की पढ़ाई जब बैठ करने बैठे तो सिर्फ हम लोगों को क्या किया जाता है, दे दिया जाता है चैप्टर, सिर्फ पढ़ो, बैठ के हम लोग बस एक तरफ से बस पढ़ने लगते हैं, समझ में आए ना ऐसे कोई मतलब नहीं। फिर अगर समझ में नहीं आया तो टीचर के पास गया, सर व्हाट इज दिस रीजन, इसका क्या मतलब हो सकता है, कहते तुम्हें ये छोटी सी चीज नहीं पता है, बार बार पूछने चले जाते, तू जाके बैठो वहां पर। और उसके बाद में अगर हम गलती से दोबारा भी गए ना तो डर लगने लगता, नहीं फिर भी कहते नहीं समझ में आया तो मारे जाएंगे, तो दोबारा फिर चलते हैं। जब फिर दोबारा गए उसके बाद में पता लगा टीचर का मूड खराब, दो दिए काम पे आराम से बैठ गए, जाकर कहते बस अब नहीं पूछेंगे कोई बात हो। तो बस हमारा डर ही हमारी हर एक चीज़ का वीकनेस बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके साथ में लेकर चलूँगा और आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, और इसे हम बेसिकली हमेशा इतना ईजी से हम बनाएंगे, इतना ईजी बनाएंगे ताकि लाइफ में बहुत बेटर से हम इंग्लिश को समझ सकें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन आवर मतलब लाइफ इन अप्लाई, हम इंग्लिश को बोलकर कैसे उसे अप्लाई करें। वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, हम क्यों इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो ऐसे कई सारे रीज़न हैं, हम उनको अपने अपने एक टॉपिक में बना सकते हैं, उसके रीज़न लिख सकते हैं, उसके आंसर लिख सकते हैं, और इसी आधार से हम लोग चल सकते हैं। अब हम इसमें कुछ और भी बातें करते हैं, सीखते हैं इसके बारे में। एक चीज हमने देखी है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, जब हम लोग इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो इंग्लिश में हमें सीधे सीधे क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ग्रामर लेकर चलते रहते हैं हमेशा हम। लेकिन यहाँ से हम कुछ नया ट्रेंड अपनाएंगे, ठीक है, हमें ग्रामर और अदर चॉइसों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम इस तरीके से सीखेंगे कि हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से, हम ये मान के चलते हैं कि जीरो से कुछ नहीं आता, बिल्कुल हम लोग लर्नर हैं, बिगनर हैं, ठीक, बिल्कुल हम जीरो से, कि हमें कुछ भी नहीं पता, इस हिसाब से हम सीखेंगे तभी समझ में आएगा क्या सही क्या गलत, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ सीखना है। अब जैसे कि सीखने का मतलब होता, जब हम लोग या जब छोटे थे तो हम लोग जब छोटे थे तो क्या हम लोग बचपन से ही चलना सीख गए थे, उठ के दौड़ने लगे थे, या पढ़ना सीख गए थे सीधे बस, नहीं इस कॉलेज में गए किताब उठाया बस पढ़ने लगे, या एक दो दिन गए छोटा बड़ा बताएगा तीसरे चौथे दिन बस बोलना शुरू कर दिए, कॉलेज में गए इंग्लिश नहीं आती थी ABCD पढ़े उसके बाद में दो चार दिन में बोलने लगे बस इंग्लिश आने लगी, या मैथ का आप इसी टॉपिक पे ऑलवेज सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट ले लो हमेशा ऐसा ही इसका महत्व होता है, हर चीज़ की प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस कंटिन्यूस जब रखेंगे तभी वो आगे जाकर उसमें हम अचीव कर पाएंगे कि उसको कैसे हम लोग बेसिक से एडवांस तक ले जा सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि हर कोई इतना बड़ा कंटेंट लेकर बैठा है बस सिर्फ रटाने के लिए, अगर उसको डेली यूज किया जाए उसे महसूस दिलाया जाए कि ये लाइफ का ही हिस्सा है या लाइफ से जुड़ा हुआ है, और उसको मतलब बेसिकली इजीली बनाया जाए, सिर्फ उसको धीरे धीरे कनेक्ट किया जाए, और इतना धीरे धीरे कनेक्ट करते करते धीरे धीरे बड़ा वही रूट हो जाएगा। अब डायरेक्टली कोई चीज़ बनाना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 10 किलोमीटर रूट तय करना है, 10 किलोमीटर पता है तय, अगर आपको वही
एक दिन में दौड़ा दिया जाए तो आप लोग बोर हो जाए, हो सकता है बीमार हो जाए, जो भी व्यक्ति जाएगा दौड़ के दौड़ जाएगा। बेशक कोई अगर एग्जाम्पल को टारगेट दे दिया जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इतनी ज़्यादा समस्या जो हो सकता है ना वो उसे क्रैक कर पाए, लेकिन फिर भी अगर वो एवरी डे एक एक किलोमीटर करके या कुछ मतलब डिवाइड करके कुछ कुछ पार्टों में धीरे धीरे, तो वो बेसिकली बहुत ईजी से ही उसे क्रैक कर लेगा। अब हम चलते हैं, देखना आप कितना डिफरेंट है हिंदी और इंग्लिश में। आखिर इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं माना जाता है आज के दौर में? इंग्लिश में कितने होते हैं? पहले हम हिंदी में लेते हैं वर्ड, हिंदी के अक्षर कितने होते हैं? 52, सभी को पता है 52 होते हैं। और अंग्रेजी के कितने होते हैं? अंग्रेजी होते हैं 26 है ना, 26। अब इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो ये कितने बार जाएगा? दो। कितनी बार? दो बार गया। तो यानी क्या होगा, इंग्लिश का यानी हिंदी का एक अक्षर, हिंदी का एक अक्षर बराबर किस